नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब। YouTube चैनल टेकी ट्विक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं Asus Zenfone Max Pro M1 यानी कि हमारे चिंटू में 3 टेस्ट करने वाला हूं। पहले टेस्ट में मैं इसकी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस चेक करूंगा, दूसरे में मैं इसकी आपको बेंचमार्किंग करके दिखाऊंगा, और तीसरे टेस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये डिवाइस USB OTG को सपोर्ट करता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, और अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको थोड़े से इसके जो है स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूँ। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 660 लिखा हुआ है, पर रियलिटी में इसमें जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 636। ये जो डिवाइस है ये 3GB, 4GB और 6GB रैम ऑप्शन के साथ आता है। एड्रीनो का 509 GPU है इसमें। ये वाला वेरिएंट जो आप देख सकते हैं ये है 4GB वाला वेरिएंट। 1080p 6 इंच की इसमें डिस्प्ले है, 5000 mAh की इसमें बैटरी है, थर्मल्स, और ये इसके सारे के सारे सेंसर्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी बेसिक सेंसर हमें स्मार्टफोन में चाहिए होते सभी सेंसर हैं इस डिवाइस में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट से। मैं ये 8 ऐप और नीचे वाले 4 ऐप यूज़ करूँगा मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए। मैं जब तक इन ऐप्स को खोलता हूँ इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपके लिए ये वीडियो बोरिंग ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन 12 ऐप्स को यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे पहले अगर फेसबुक को चेक करूँ तो वो मेमोरी में है, इंस्टाग्राम भी मेमोरी में है, फॉलो करना चाहते हो तो टेकी ट्विक सर्च करके फॉलो कर लेना। ट्विटर भी मेमोरी में है जो कि अच्छी बात है, ये यूट्यूब भी मेमोरी में है, फ्लिपकार्ट भी मेमोरी में है। अभी तक जो है सारे जो ऐप्स हैं वो मेमोरी में हैं, जो कि मेरे ओपिनियन से बहुत ही अच्छी बात है। एसफाल्ट 8 भी मेमोरी में है, ये सारे ऐप्स तो नॉर्मली मेमोरी में ही होते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं क्या करूँगा, एक और गेम को खोल के देखता हूँ और देखता हूँ अगर टेम्पल रन 2 ओपन करने के बाद क्या सभी ऐप्स मेमोरी में रहते हैं, और मैं इस प्रोसेस को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और आपको रिजल्ट बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि टेम्पल रन 2 को ओपन करने के बाद भी ना मोस्टली जो है ऐप्स मेमोरी में रहती है। सिर्फ एसफाल्ट 8 एक ऐसी ऐप थी जो मेमोरी के बाहर गई थी, और अभी शायद टेम्पल रन 2 भी रीलोड होगी। तो मेरे ओपिनियन से कंपनी ने जो रैम मैनेजमेंट है इस डिवाइस की वो बहुत ही अच्छे तरीके से करके दी गई है, और जितने भी ऐप्स इसके मेमोरी में होते हैं वो उनकी जो ऐप ओपनिंग टाइम है वो भी काफ़ी अच्छा। तो मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ इस डिवाइस से। दोस्तों, अभी मल्टीटास्किंग के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो डिवाइस है USB OTG को सपोर्ट करता है। ये देखिए, इसने मेरी सैंडिस्क की पेन ड्राइव को जो है डिटेक्ट कर लिया है, और अगर आपको मैं यहाँ पर खोल के कुछ पिक्चर्स दिखाऊँ तो ये देखिए, ये सारी पिक्चर्स जो है मेरे पेन ड्राइव में है जो कि हमारी फेयरवेल पार्टी की थी। तो यहाँ पर बेसिकली सभी चीज़ें आ गई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, अभी मैं आपको इस डिवाइस के बेंचमार्किंग स्कोर्स दिखाऊंगा। पहले हम करते हैं N22 और देखते हैं कि N22 में इसका स्कोर कितना आता है। मैं टेस्ट अगेन करता हूँ, तो अभी ये टेस्ट हो चुका है स्टार्ट, तो देखते हैं कि क्या बनता है इस टेस्ट में। जब ये कम्प्लीट हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि N22 बेंचमार्क में जो इसका स्कोर है वो 111,811 है। CPU, GPU, UX और मेमोरी में आप इसका स्कोर देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, N22 में तो इसका स्कोर जो है डिसेंट था, अभी हम ओपन करेंगे गीक बेंच और देखेंगे कि CPU बेंचमार्क इसका कैसा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि गीक बेंच भी कम्प्लीट हो चुका है। सिंगल कोर के लिए इसे मिले हैं 1300 और मल्टी कोर के लिए मिले हैं 4600।
तो ओवरऑल बजट को कंसीडर करते हुए इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी रही है 4GB रैम वेरिएंट की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि मैंने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया है, एक लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कॉमेंट है, क्वेरी है, फीडबैक है, कुछ भी है, कॉमेंट सेक्शन में उसे मैंशन कर दें। अगर आप कोई स्मार्टफोन या ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, कृपया हमारे लिंक से कर लें, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, हमारे चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो के लिए केवल इतनी था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।